स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर प्राणघात हमला किया गया, जिसके लिए उचित कार्यवाही की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है, सानू चौरसिया पिता भगवान दास चौरसिया ग्राम गोरगी पोस्ट महसाओं थाना गुड़ के निवासी हैं। 15 अगस्त को सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा समाप्ति के बाद रिवुल खान राजा खान अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर सीने में चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उन्होंने अपना बचाव किया तो पुनः हमला करके उनके हाथ में चाकू से वार करके लहूलुहान कर दिया। गांव वालों ने देखा तो पीड़ित को बचाकर आरोपी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आरोपियों के पास से दो धारदार हथियार, एक नग मेहरा चाकू, एक नग गुप्ती भी पुलिस को सुपुर्द की गई है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बयान को बदलकर मामूली चोट में प्राथमिकी दर्ज की गई और अस्पताल से सही इलाज के बिना ही वापस ले आया गया। थाने में पुलिस वालों के द्वारा पीड़ित को बार बार अपराधी कहकर डराया जा रहा था, जबकि आज तक पीड़ित के खिलाफ कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है। आइए सुनाते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता ने क्या कहा है। आज हम लोग SP ऑफिस में आए हुए हैं। SP साहब को हमने सूचना दी है और ज्ञापन भी दिया साथ में। अभी विगत दिनों 15 अगस्त के दिन बड़ी गुर्गी जो गुड़ थाना अंतर्गत आता है गांव, ये हमारे कार्यकर्ता हैं सानू जी, तो इनके ऊपर कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा और युवकों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। इन्होंने तिरंगा यात्रा वहाँ पर निकाली थी। तिरंगा यात्रा के पश्चात यात्रा समापन के दौरान ये यात्रा में पीछे रह गए थे, तभी वहाँ पे दो लड़के आए, रिव्यूल खान और राजा खान, जैसा कि इन्होंने बताया, और उनके साथ उनके अन्य 5-6 साथी आए, जो इनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। धारदार चाकू था उनके पास में, गुप्ती थी, जिससे इन्होंने इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। ये बचाव में आगे पीछे हुए तो इनके सीने में और हाथ में चोट आई। इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने ये लोग थाने पहुँचे तो थाने में इनके हिसाब से प्राथमिकी भी नहीं दर्ज की गई। वहाँ पर केवल ये लिख दिया गया कि इनको चोट आई है, जबकि इनको इनके ऊपर पूरा प्राणघातक हमला किया गया था। अगर चाकू इधर उधर लगता तो इनकी जान भी जा सकती थी। इन्होंने बचाव किया तो सीने में छोटी चोट आई और बाजू में पूरा बाजू कट गया इनका हाथ में। उसके MNC वगैरह हुई है और FIR ठीक ढंग से नहीं लिखी गई थी। उसी बाबत हम SP साहब के पास में आए थे कि उसकी अच्छी से विवेचना करवा कर FIR में संशोधन करें और उचित कार्यवाही करें, अपराधियों को पकड़कर उनको जेल के अंदर डालें। SP साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने आश्वासन दिया है MNC बुलवा के अभी वो जाँच करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्यवाही है उनके खिलाफ अपराधियों को पकड़ेंगे और उनको अंदर करेंगे, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है आज शाम तक है कल तक। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य योजना समिति सदस्य कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्था। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व
मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के, आजादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।